बंदरा प्रखंड में कभी जो बांध के भीतर जो लोग हैं उन्हीं लोगों के घर में पानी आया है और मैंने अभी निरीक्षण किया है। जनता दल यूनाइटेड की टीम आज मेरे नेतृत्व में पूरे बंदरा प्रखंड में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और उसमें हम लोगों ने देखा है कि बरगांव पंचायत में 5 नंबर वार्ड में किचन चालू है और सिमरा पंचायत में और महिनाथपुर में भी किचन चालू करने की व्यवस्था आज अंचलाधिकारी के द्वारा की जा रही है। मैंने उनको आग्रह किया तो उन्होंने बताया कि आज से हम किचन वहाँ भी चालू करेंगे और सब जगह दौरा करके हम लोग देख रहे हैं जहाँ जो कमी है उसको प्रशासन से हम लोग पूरा कराने का काम कर। वहाँ खाने की सुविधा नहीं थी लेकिन वहाँ कल से किचन चालू है। मैं अभी देख के आया हूँ बड़गांव 5 नंबर वार्ड और नाव का जो मामला है उसमें हम लोग सीओ से आग्रह किए हैं कि वहाँ नाव पर आया जाए, नाव की सुविधा दी जाए। और आगे हम लोग जब आगे बढ़े हैं तो सिमरा में जो 29 नंबर सुलिस गेट है उससे भारी रिसाव हो रहा है पानी का, तो वो भी हमने और उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ कबरगाह के पास रिसाव हो रहा था बांध नारायणपुर। इसकी सूचना मैंने डीएम को और कार्यपालक अभियंता को भी दी है और कार्यपालक अभियंता अपनी पूरी टीम अभी भेजे हैं, वहाँ पहुँच गया है और काम शुरू है। वो दोनों का जो सुलिस गेट में रिसाव है उसकी भी मरम्मती की जाएगी और जो अभी रिसाव हो रहा है मस्जिद के नज़दीक उसका भी तुरंत मरम्मत किया जाए। सर सरकार पूरी तरह से सक्रिय है बाढ़ पीड़ितों के लिए, पूरा खजाना खोले हुए है। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे खजाने पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है और उसके लिए सरकार पूरा सक्रिय है। बाढ़ जब आती है उस समय आपातकालीन व्यवस्था करके रखी जाती है ताकि कहीं अगर बांध में रिसाव हो रहा है, बांध टूट रहा है तो उसकी मरम्मत शीघ्र कराई जाती है। और जो पूरा मरम्मती का काम है वो तो बाढ़ आने से तुरंत पहले जल संसाधन विभाग के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक होती है और उसमें जनप्रतिनिधि अनुशंसा करके देते हैं कि हमारा फलाना बांध खराब है और इसकी मरम्मत की जाए, उसके बाद काम होता है। पता नहीं स्थानीय विधायक कितना सक्रिय हैं, उन्होंने इसकी अनुशंसा की या नहीं इसका हमको पता नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण जो है उस बांध का निर्माण नहीं कराया जा सका है। और बाढ़ खत्म होने के बाद हम लोग मंत्री से हमारा पूरा एक शिष्टमंडल मिल करके मांग करेगा कि पूरे बांध की मरम्मत रामपुर बकरी से लेकर के और यहाँ टेपरी तक पूरा बांध का मरम्मत नए ढंग से कराया जाए। इसके लिए हम लोग पूरा सक्रिय होकर के और बाढ़ के बाद इसका प्रयास करें।